पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही शान और शौकत के साथ रतनपुर में मनाया गया। जश्न सुबह फज्र की नमाज के साथ शुरू हुआ और युवाओं एवं बच्चों के द्वारा घरों एवं मोहल्लों को सजाया गया एवं मस्जिदों में भी विशेष नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम जमात भेड़ी मुड़ा बड़ी बाजार स्थित इमानबाड़ा से जुलूस की शक्ल में निकलकर महामाया चौक पहुंचे। वहीं करैया पारा से निकाली जुलूस भी महामाया चौक पहुंची, जहां जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया एवं शरबत और मिठाइयां बांटकर पैगंबर साहब को याद करते हुए नमाजें पढ़ी गईं। मुस्लिम समाज के लोग महामाया चौक पर एक दूसरे से ईद मिलादुन्नबी की खुशियां बांटते हुए गले मिले और विशाल जुलूस की शक्ल में बड़ी बाजार, नूतन चौक, बनियापारा हाईस्कूल चौक होते हुए मदनवाड़ा पहुंचकर फातिया खानी करने के बाद देश और प्रदेश की खुशहाली एवं अमन चैन की दुआएं मांगी और जुलूस को समाप्त किया। की तरह इस साल भी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का दिन है। आज हम उनकी पैदाइश के मौके पर ये मुबारक महफिल सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं और सारे लोग उस जुलूस में शामिल होकर झंडे लहराते हैं और अपने नबी की मोहब्बत में और अपने नबी की याद में उस जुलूस को कामयाब करते हैं। हजरत इज्जत शाह रहमतुल्ला अतह के मज़ार पर दोपहर 1 बजे से आम लंगर का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें आसपास के गांव की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लंगर में बैठकर खाना खाया और बाबा साहब को दुआओं से फैज़याब हुए। रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी।